संदेश दिए गए हैं। आगामी त्योहारों, सर्दियों के मौसम और अर्थव्यवस्था के खुलने को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सार्वजनिक स्थलों, मेट्रो, ऑटो रिक्शा और अन्य सार्वजनिक परिवहनों में पोस्टर, बैनर और स्टिकर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। Also said that the new education policy will be a base in the creation of new India. अभी जिस तरीके से हम नई शिक्षा नीति हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, उनके विजन को क्रियान्वित करने के लिए, ताकि यो 21वीं सदी का जो मेरा भारत है, स्वर्णिम भारत, वो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत की आधारशिला मेरी ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, और जिसको पूरे देश के लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया है, उत्साह ट्वीट कर दिया है कि किस तरह से हमें कोरोना से लड़ना है। तो आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहने, हाथ साफ करते रहें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि दो गज की दूरी बेहद जरूरी है और उसे बनाकर रखना अहम है। तो ये अहम है जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, इसका जिक्र हमने किया था तेजिंदर अपनी खबर की शुरुआत में ही। और लगातार जो तरह से अब मौसम आ रहा है बदलाव का, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था खुलने जा रही है, खुल चुकी है, तो किस लिए कितना अहम है, इस पर हम रखेंगे अपना खास। बिल्कुल, बेहद अहम। और क्योंकि अर्थव्यवस्था खुल चुकी है, लोगों का मिलना जुलना बढ़ गया है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो चीजें हमने शुरुआत में सीखी हैं उसको आगे भी फॉलो करते रहें। दो गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को बार बार धोएं, इन्हीं सभी बातों का जिक्र किया गया है और इन्हीं पर जोर देने की बात कही गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार के नाम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम ट्वीट के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत करेंगे कि कोरोना महामारी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारिता में निश्चित ही सुधार की जरूरत है, ये सुधार मीडिया जगत स्वयं लाए, यही बेहतर है। हमारी सरकार मीडिया की स्वतंत्रता में विश्वास करती है। सरकार किसी के अधिकार हथियाना नहीं चाहती, आजादी पर आंच आना नहीं देना चाहती, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हो इसके लिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही तय करना होता है, उसके लिए किसी के हुक्म की जरूरत नहीं होती, और वो हो, यह हमारी इच्छा है। मुझे लगता है अगर इस दिशा में भारतीय पत्रकारिता विचार करेगी तो मामा जी जैसे जो पीढ़ी व्रत समझकर और जो एक ध्येय निष्ठा की पत्रकारिता करते थे, उनको वही सही श्रद्धांजलि होगी। पांचजन्य और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ. मोहन राव भागवत ने मामा जी माणिक चंद्र वाजपेयी के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को भी सामने रखा। कुल मिलाकर पत्रकारिता के क्षेत्र के वातावरण में ही एक परिवर्तन उसके कारण आ सकता है, तो हम सब उनका स्मरण करें, उनके जीवन का अध्ययन करें और उनके जीवन से अपने जीवन को अच्छा बनाने वाली जो बातें हम ग्रहण कर सकते हैं वो ग्रहण करें, आचरण में लाए, तो उनकी जन्म शताब्दी ठीक ढंग से हमने मनाई, ऐसा हो जाएगा। मामा जी माणिक चंद्र वाजपेयी का पत्रकारीय जीवन करीब 40 वर्ष का रहा। सादा वेश, सरल स्वभाव, लगातार प्रत्येक वर्ष बढ़ा रही है। और यदि आप देखें, ये वीट पैडी का देखें और वीट का देखें, हर साल वृद्धि हुई है। आप विशेषकर जम देखें 17-18 से 18-19 के बीच में, इस स्लोप में मेजर वृद्धि हुई। ये वाला वर्ष था जब भारत सरकार ने, मैंने प्रधानमंत्री नेतृत्व में ये निर्णय लिया कि MSP का न्यूनतम रिटर्न 50% होगा, और जिन क्रॉप का न्यूनतम रिटर्न 50% नहीं था उसमें 18-19 में मेजर जंप आया है। गवर्नमेंट की थी करीब 3,000 करोड़ रुपये, लेकिन गत वर्ष में, और हमने टोटल जो प्रोक्योर किया वो करीब 105 लाख बेल, विच इज़ अ रिकॉर्ड